नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आज हम आपको उपवन जो बहरोड में एक टाउनशिप है उस पे लेके चलते हैं और वहाँ की आपको आज साइट विजिट कराते हैं। देखिए, हम दिल्ली या गुड़गांव से हम चलते हैं तो बहरोड जो फ्लाईओवर है उससे पहले ही ये राइट साइड में है। अभी हम साइट पे पहुँच चुके हैं तो ये बैनर्स जो है लगा रखे हैं उन्होंने, होर्डिंग लगा रखी है मेन रोड पे ही। इसके दो गेट बनाए हुए हैं, ये अभी अपना सेकंड गेट आएगा, ये गेट नंबर 2 है। तो यहाँ से एंट्री नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये। इसके बाद में आप जो है हम वापस लेके गेट नंबर 1 से चलेंगे। अभी मैंने आपको ये वैसे ही दिखाया है। तो इसके बिल्कुल सामने ही बिल्कुल मेन रोड है और ये अभी एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसके अंदर सभी फ्रेंचाइजी हैं। तो आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं या गुड़गांव से या धारवाड़ा से आ रहे हैं तो आप जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से भी यूटर्न ले सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले यूटर्न लेकर आप रोड साइड से आ सकते हैं। ये देखिए, हम जो गेट नंबर 1 है उसके मेन एंट्री गेट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप बेसिक एंट्री करवाइए गार्ड से और उसके बाद में आप अंदर जा सकते हैं। तो देखिए सामने ही कितना अच्छा व्यू बना रखा है इन्होंने। ठीक है, ये आपको सामने क्लब हाउस दिख रहा है, मैं आपको इसको राउंड करके दिखा देता हूँ एक बार। ये पूरा सर्कल है यहाँ पे काफी बड़ा, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ मेटेरियल डला हुआ है, इसकी वजह से ये रोड ओपन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे इनके फ्लैट्स बने हुए हैं, ये देखिए अभी इस साइड से रोड चालू नहीं है। तो मैं आपको वापस जिस साइड से हम आए हैं उसी से वापस लेके चलता हूँ। ये क्लब हाउस हो गया लेफ्ट साइड में, ये पार्क हो गया और राइट साइड में अपने मेन गेट था। ठीक है, ये अपना सेल्स ऑफिस आ गया यहाँ पे राइट साइड में। ये पूरा एरिया भी फ्यूचर डेवलप के लिए छोड़ा हुआ है, इसका भी प्लान है, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अगर इसी वीडियो में मैं वो प्लान भी आपको बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आजकल ज़्यादा लंबी वीडियो लोगों को पसंद भी नहीं आती। जो आज इस टाइम में जो बना हुआ है लोगों को वही देखना होता है। तो मैं आपको अब डायरेक्टली ही जो बने हुए हैं चीज़ें वही दिखाता हूँ। ये इनको आप मिनी विला भी बोल सकते हैं। तो ये राउंड से बना हुआ है लाइन से सारा। अभी ये अपना 30 फिट की रोड है, ये सामने क्लब हाउस दिख रहा है आपको। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी लुक आ रखी है और सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट तो इसका ये है जी कि ये बिल्कुल मेन NH8 पे है। अब मैं आपको जो सैंपल फ्लैट है उसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ। ये हॉल है पूरा, ये किचन हो गया, किचन में आ जाइए, ये किचन बना रखा है वेंटिलेशन के लिए, विंडो भी लगा रखी है उस साइड से। ये लेट बाथ हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रूम में लेके चलता हूँ मैं आपको, जो नीचे एक रूम है उसके अंदर, ये नीचे रूम है और रूम के अंदर ही आपको वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इन फ्यूचर कुछ भी AC वगैरह लगाना चाहते हैं या वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, इतना स्पेस इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर लेके चलता हूँ स्टेयर से जी। ये लीजिए, हम ऊपर आ गए हैं जी। बिल्कुल सामने ही ये हॉल है जिसमें हमने एंट्री करी है और मैं हॉल हॉल के साथ में जो बालकनी है उससे एक बार बाहर का व्यू दिखा के आपको अब अंदर आता हूँ। ये लेट बाथ है, ठीक है जी। और सेम जैसे नीचे था वैसे ही इनका जो है साइड में एक रूम ये बनाया हुआ है, जो नीचे पोर्शन था सेम ऊपर भी इसी तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने। और ये रूम इसका एक्स्ट्रा है नीचे वाले से। अब मैं आपको बालकनी में लेके चलता हूँ इसकी में, ये इसकी बालकनी है, नीचे से इस तरीके का व्यू आता है जहाँ पे हम खड़े हुए थे, वहाँ नीचे रोड पे खड़े हुए थे। अब ये देखिए, मैं आपको मेन रोड भी दिखा देता हूँ यहाँ से। नहीं, मैं आपको इससे ऊपर जो टेरिस है उसके ऊपर से दिखाता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ लगी है लोहे की, हर
हर एक जो है सभी में है ये चीज़ें। ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं और मैं आपको अब छत से, ये अभी सफाई नहीं हुई है क्योंकि सैंपल फ्लैट अभी सफाई करी नहीं है। आपको जब भी मिलेगा फुली फर्निश्ड बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से सफाई मिलेगी। सारे ये देखिए जो फ्लैट्स हैं वो सारे इस तरीके से दिखाई देते हैं और बिल्कुल सामने मेन रोड दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको क्लियरली सारा व्यू दिखेगा। ठीक है जी, सारी तरफ से हमने ग्रीनरी कर रखी है, पीछे हमने फ्लैट बना रहे हैं बिल्कुल आगे तक। ये पूरा अपना ही प्रोजेक्ट है। ये क्लब हाउस आ गया, ये जो मैंने बताया था अभी एक रेस्टोरेंट है, इसके अंदर सभी आउटलेट्स हैं। ये बिल्कुल मेन रोड पे फ्लाईओवर से पहले ही, और ये ऊपर आपका गई सारा फ्लैट के साइड से पूछ रहा हूँ। सकते हैं थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।